उतरु न आवत प्रेम वश गयउ चरण अकुलाय, तुम स्वामी मैं दास प्रभु तजउ तो कहा बसाए। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार 11 दिनों से जो है हम जैकमपुरा में रामलीला के दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से अभिनय कर रहे हैं सभी कार्यक जो भी कलाकार मौजूद है, कैसे कैसे जो है उनको पड़ाव पार करने पड़ रहे हैं। और आज 11वें दिन जो है हम आपको बैक स्टेज का कुछ दृश्य दिखाना चाहते हैं, जो कलाकार आपको श्री राम जी के रूप में, रावण के रूप में, लक्ष्मण जी के रूप में और हनुमान जी के रूप में दिखाई देते हैं। आखिरकार कितना मुश्किल रहा ये सफर उनका, या इस अभिनय को किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में अपनाया, ये उनसे हम जानने का जो है प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्री राम जी से कि उनका सफर कैसा था। जय श्री राम जी। जय श्री राम। सबसे पहले जो है हमारी ऑडियंस आपका ओरिजिनल नेम जानना चाहेगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण बख्शी है और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। जैकमपुरा हमारा परिवार, बचपन है हमारा यहाँ पे, हम यहीं खेलते हैं, यहीं बड़े हुए हैं, यहीं से हमने अपनी रामलीला में मेरे पापा मुझे लेके आते थे, हम छोटे से हुआ करते थे। पहले हमारी जहाँ स्टेज है उसके सामने रामलीला हुआ करती थी पहले, तो वहाँ पे हमारे पिताजी हमारे को लेके आते थे। हम बड़ा शौक था कि हम भी इस रामलीला में रोल करें, तो हम जैसे जैसे बड़े होते गए, मैंने सबसे पहले बालंगत का रोल किया, 3 साल मैंने बालंगत का रोल किया, ठीक है। उसके बाद मैंने शत्रुघ्न का रोल किया 3 साल, फिर मैंने भरत का रोल किया 4 साल, अब मैं 5वां साल है मैं प्रभु श्री राम जी की भूमिका निभा रहा हूँ। और जब ये रोल आपको ऑफर हुआ श्री राम जी, मतलब एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर आ जाना, तो उस रोल के जब आपको फर्स्ट ऑफर हुआ तो क्या रिएक्शन क्या था आपका? मेरा रिएक्शन इतना एक्साइटमेंट थी मुझे बहुत ज़्यादा कि हाँ भाई, मुझे राम जी का रोल मिल गया, उनकी मतलब उनकी सेवा करने का मौका मुझे, अवसर प्राप्त हुआ। बहुत ही मतलब सब नियम होते हैं हमारे कि हमें जमीन पे सोना है, लहसुन प्याज बिल्कुल भी यूज नहीं करना, हर चीज़ से हमें पालन करना है जी। और जैसे राम जी ने 14 वर्ष पूर्ण किया वैसे हमने हमारी रामलीला में इसी प्रकार हम 14 वर्ष पूर्ण करते हैं, पूरी लीला दिखाते हैं और जैसे जैसे जो हुआ सब हम यहाँ पर दिखाते हैं। और जब आपने ये रोल शुरू किया तो कुछ ऐसा भी रहता है कि बहुत सारी ऐसी हम कहें कि चरित्र है राम जी का जो हम अपने अंदर भी धारने का प्रयास करते हैं, कुछ ऐसा कभी हुआ है कि आपको लगा हो कि मैं एक रोल निभाते निभाते ये मेरी हैबिट बन गई है? देखो हमारे यहाँ पे बस मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि हम जैसे हर प्रकार से हम जैसे कीर्तन वगैरह भी करते हैं, हम राधा रानी को भी मानते हैं, हर चीज़ से हम करते हैं, सिर्फ नाम जपते रहते हैं, बस हमारा यही काम है, चाहे रोल में हो चाहे वैसे हम जपते रहते हैं हरि नाम। तो कभी ऐसा लगा है कि जो अभी जिस तरीके से आपके डायरेक्टर जी ने हमें बताया कि 3 महीने पहले मतलब जन्माष्टमी से ये जो आपका पूरा प्रोग्राम है जो वो शुरू हो जाता है, रिहर्सल्स वगैरह सारी चलती हैं, तो अब जब 2 दिन बाद ये सब कुछ समाप्ति हो जाएगी तो कैसा लगेगा फिर? बस बड़ा सुनसान सा हो जाएगा मन में, मतलब ऐसा हो जाएगा कि हमारा जो परिवार है मतलब सब साथ हैं, लेकिन हमारा मतलब एक वो हो जाएगा कि हमें बिल्कुल शांत हो जाएगा, बिल्कुल ही थोड़ा हमें अकेला सा महसूस होएगा, लेकिन कोई नहीं, राम जी हमारे साथ हैं और हमेशा हमारे साथ रहेंगे वो। क्या मैसेज देना चाहेंगे व्यूवर्स को, क्योंकि श्री राम जी को बहुत लोग अपना आइडियल मानते हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? हम बस आपको यही कहना चाहेंगे कि हमारी जो रामलीला है वो बिल्कुल मतलब ऐसे कहूँगा कि हमारी जो स्टेज है यहाँ पर बहुत कुछ है, इससे हम जो भी मांगेंगे हमारी इच्छा पूरी होती है, बस यही कहना चाहूँगा मैं। तो आइए प्रधान जी से बात करते हैं, कपिल जी से। कपिल जी कैसे रहा ये पूरा सिस्टम, क्योंकि सब लोगों को जोड़ना आज की डेट में अगर देखा जाए तो सब लोगों को जोड़ना आसान नहीं रहता, मतलब सब अलग अलग दिशाओं में हो गए हैं। अब ये रहता है कि अब तो पड़ोस वाले का नाम भी नहीं पता होता और आप लोगों ने इतने लोगों को इकट्ठा किया एक छत के नीचे। जय श्री राम। मैडम ये हमारा ना पूरा परिवार है जी। जैसे हमारे मोहल्ले के बच्चे हैं, हमारे बच्चे बिल्कुल घर की तरह हैं, कोई वो नहीं है कि अलग अलग हैं, हम सब एक हैं जी। ये तो है ही नहीं कि जोड़ना, ये तो हम जुड़े हुए हैं जी सारे जी। जैसे हमारी 5 उंगली है ना, ऐसे सारे हमारे साथ हैं। तो मैनेजमेंट का किस तरीके से ध्यान रखते हैं इसमें, क्योंकि 13 दिन और उससे पहले के भी प्रिपरेशन? सारा मैडम टीम वर्क है हमारा जी, सभी अपने अपने जिन जिनकी जो ड्यूटी होती है वो पूरी करते हैं, किसी तरह की हमें कोई परेशानी नहीं आती है। तो कलाकारों को लेकर भी आपको कभी लगता है कि कोई किस रोल के लिए, क्योंकि लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आती है? मैडम बच्चे हैं, कोई गलती करते हैं थोड़ा डांटते हैं मान जाते हैं, कुछ ऐसा है ही नहीं, ये सब अपने परिवार के बच्चे हैं। रामलीला का आपने सोचा ही क्यों, जैकमपुरा की रामलीला जो है गुरुग्राम की नंबर 1 रामलीला मानी जाती है, पर आपने ये चीज़ें सोची ही क्यों, क्योंकि आज की डेट में जो
लोग इस चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं देना चाहते। और जैसे कि बनवारी लाल जी ने भी अभी बोला मंच के माध्यम से कि हम जो है अपनी संस्कृति को बचाना चाह रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पर केस वगैरह भी चल रहा है उसको लेकर भी बात कर रहे थे वो। मैडम हमारी रामलीला 1966 से हो रही है, जब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे जी। जब हम आए तो अभी कोविड के बाद से बच्चों का जो ध्यान है सारा मोबाइल में ज्यादा अट्रैक्शन था। और हमारा था कि जो बच्चे हम पहले छोटे थे तो हम रामायण देखते थे जी। हम सारे इकट्ठे रामायण देखते देखते भाई राम जी क्या है, और हम चाहते कि अब वो रामायण तो आती नहीं, हम चाहते कि हमारे बच्चों को भी वो लगन लगे कि भाई राम जी क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सनातन धर्म क्या है, सारा इसी चीज को लेके कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को। मैडम राम नाम से ऊपर कुछ नहीं है, सब राम में रहो और आनंद रहो। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी। तो आइए इस रामलीला में जो रावण की भूमिका निभा रहे हैं उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे हम। जय जय श्री राम, मेरा नाम आदित्य, आप सुन ही रहे होंगे इतने दिनों से। और एक बार जो दिमाग में आता है कि एक नेगेटिव करेक्टर मिलता है जब रावण के रोल की बात की जाती है, तो संसार में कुछ अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें दोनों होती है, जब आपको रावण का किरदार मिला तो क्या सोच आई कि आपको ये करना है या नहीं करना है, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? देखो सर्वप्रथम तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, सबसे ज़्यादा अगर पॉजिटिव चीज़ें आप ढूंढोगे तो वो आपको रावण के अंदर ही मिलेंगी जी। कहते हैं हमारे चाचा जी हैं जो जी। एक और हमारे चाचा जी हैं संघ में, तो वो कहते हैं कि रावण के अंदर 10 विद्याएं विद्यमान थी जी जी। तो 10 अलग अलग कलाओं को उसने विजय प्राप्त की हुई थी जी। तो वो संसार में और किसी में आपको पाई नहीं जाएंगी जी। तो वो चीज़ निभा पाना तो बहुत कठिन है, लेकिन बड़ों के आशीर्वाद से और प्रेम से बस चल रही है जी नैया। कितने वर्षों से कर रही है अभिनय आप? मुझे 3 वर्ष हो चुके हैं, ये 4th वर्ष है। तो बनवारी लाल जी पहले करते थे और इतने लंबे समय तक करते आ रहे थे वो, तो ऐसा नहीं लगा कि कभी एक प्रेशर सा रहता है कि वो उनका तो बहुत नाम रहा मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, उनका हाथ भी पूरी तरह है कि तू कर देख बढ़िया है जो है चल रहा है, वो बस एक ही दिक्कत है कि कभी भी हम मंच से उतरते हैं तो मुझे बाबू जी कैसा था, ठीक था चल रही है नहीं टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में। तो कोई सीख मिली हो रावण के रूप में आपको ये रोल निभाते निभाते? जी सीख तो जैसा भी प्रधान जी साहब बात कर रहे थे, तो नाम जप करते हैं हम जी जी। 13 दिन हमारा सिर्फ नाम जप चलता है, और कलयुग के समय में जैसा भी बताया कि मोबाइल फोनों में लगे रहते हैं, हम खुद भी लगे रहते हैं जी। लेकिन उस चीज़ को समझ पाना वो चीज़ यहीं से शुरुआत हुई, जो नाम जप में प्रवेश किया हम सभी ने, केवल मैंने नहीं प्रभु ने भी, मैंने भी, भाई ने भी, सभी ने जो नाम जप में प्रवेश हुआ वो यहीं से हुआ। और एक सीख मिली कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुत रही पारा। और वैसे क्या करते हैं रावण जी अगर हम बात करें इस रोल के बाहर की तो? जी वैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बीकॉम की है, जस्ट अभी जून में ही पास आउट हुआ हूँ, और उसके बाद अभी मैं पीसीएस एस्पायर कर रहा हूँ। अच्छा तो चलिए लक्ष्मण जी से बात करते हैं कि अगर एक कहावत भी बार बार बोली जाती है कि अगर भाई हो तो लक्ष्मण जैसा हो, लक्ष्मण जी आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। मेरा नाम समीर तनवर है। समीर जी आपसे जानना चाहेंगे ये रोल जब ऑफर हुआ आपको, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ जो है एक प्रतिक्रिया आनी लोगों की कि लोग जो है आपको लक्ष्मण के रूप में एक्सेप्ट भी करें, कैसा रहा वो? पहली बात तो यहाँ पे रोल करना बचपन से ही अपना एक सपना होता है, क्योंकि बचपन से ही करते आ रहे थे, पापा के साथ बने कि पापा हनुमान है जी, तो उन्हीं की सेना में बनता आया। फिर अचानक से बीच में मेरा मन था कि जाके कुछ बड़ा करना है, तो फिर बड़े के लिए मेरे पास 2 ऑफर थे, क्या तो लक्ष्मण जी या फिर हनुमान जी। तो मैंने लक्ष्मण जी को याद करा, किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत शांत रहता था, मेरा जो वो नेचर था कि मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी और एकदम चुप रहना, चुप से वापस आ जाना, वापस वहीं चले जाना, फिर वापस आ जाना। तो उसके बाद इतना बड़ा रोल करा और जब मैंने करता गया तो हाँ कुछ नेचर में भी चेंज आता रहा, और फिर जो होता रहा वो हर साल ऊपर ही आता गया। अभी जो है आपको एडमायर भी काफ़ी किया जाता है, जो आपके एक्सप्रेशंस है जो वायरल सर्च के माध्यम से भी लोग देख रहे हैं, आपके एक्सप्रेशन डायलॉग डिलीवरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जब रिएक्शन अच्छा आता है तो कैसा लगता है? पहली बात तो जब मैं स्टार्टिंग में था तो मैं बिल्कुल फेस अपना नॉर्मल रखता था, पर हमारे बाबा बनवारी लाल सैनी जी उन्होंने मुझे इतना डीप इस रोल के तक लेके गए, मुझे एक एक शब्द का मतलब उन्होंने समझाया और इतना काबिल बना दिया कि जब मैं स्टेज पर चढ़ता हूँ तो मुझे कभी किसी बात का चिंता या फेयर नहीं होता कि मैं जाके क्या करूँगा कैसे होगा, जो होगा उन्हीं की अंडर होता है, उन्हीं के सारे काम होते हैं और उन्हीं का सारे एक्शन और डायलॉग डिलीवरी बताई गई। कोई एक फेमस डायलॉग जो आपको अपना बहुत अच्छा लगता हो? ऐसे तो बहुत सारे हैं, हर दिन ही एक नया डायलॉग है, पर कोई हमारे दर्शकों के लिए हो जाए कोई भी जो याद हो छोटा सा।
इस टाइम तो वो मोशन नहीं बनेगा पर थोड़ा सा जी। है ऋषि राज है विप्रा, वरना मैं अभी दिखा देता ये तड़क भड़क ये शान मान धूली में अभी मिला देता। बहुत ही जबरदस्त जो लक्ष्मण का रोल निभा रहे हैं। आइए हनुमान जी से बात करते हैं। जय श्री राम जी। जय श्री राम। सर आपका नाम? मेरा नाम मनोज सवर है। मनोज जी कब से कर रहे हैं हनुमान जी का रोल? मैं यहाँ रामलीला में 98 में आया था और किसी कारणवश मुझे आते स्टोरमैन का काम मिल गया, जिसके बारे में नॉलेज नहीं थी, पर फिर भी मैंने की जी। सेवा थी प्रभु राम की, जो सेवा करनी है उसको करना ही करना है जी। तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे आ गए कि 2003 के अंदर 2002 के अंदर मुझसे कह दिया गया कि आपको हनुमान जी का रोल करना पड़ेगा जी। मैं उस समय एक स्टूडेंट था कॉलेज के अंदर जी। और अनमेरिड था जी। तो मैं 2000 में कोशिश करा, रामलीला के सिर्फ 10 दिन रह गए थे, मैंने याद कर लिया सब कुछ हो गया, पर मैं किसी कारणवश रोल नहीं कर पाया जी। 2003 के अंदर फर्स्ट टाइम मैंने रोल किया जी। और जैसे कि आपने राम जी का इंटरव्यू लिया, लक्ष्मण जी का लिया और जो अभी ये रावण जी गए हैं जी जी। तो ये इतने इतने बच्चे आते थे छोटे छोटे जी। कहते अंकल जी मुझे सेना में बना लो जी। तो ये मेरी सेना में बनते थे सारे जी। और ये सारे बच्चे ही हैं छोटे छोटे, अब इनके साथ ही देना है, जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। तो ये मेरा बेटा लक्ष्मण का रोल जो कर रहा है, इसने इतनी जल्दी अचीवमेंट दिखाई कि मैं अपने घर बैठा था, बनवारी लाल जी का लड़का फूल सिंह सैनी है, वो रिहर्सल चल रही थी जी। तो कहने लगा भाई तू एक बार यहाँ। मैंने कहा क्या बात होगी भाई? कह रहा भाई एक ना कलाकार मिल गया बहुत बढ़िया। उनका कौन मिल गया? मैंने कहा तो भाई एक बार आ, मैं रिहर्सल में गया तो कह रहा भाई लक्ष्मण मिल गया हमारे को बहुत बढ़िया जी। इसने कभी याद किया? विद इन 10 डेज के अंदर इसने याद कर लिया। ये मात्र 13 साल का था उस समय जी। मेरे ख्याल से यहाँ आस पास रामलीला की बात करें तो कोई 13 साल के उम्र में रोल नहीं करा होगा लक्ष्मण का जी जी। और वो भी कंटस्ट जी जी। मतलब कोई पीछे से कोई जैसे बैकअप देते हैं या कुछ ऐसा कुछ नहीं, अपनी मेहनत से इसने किया। और रामायण पढ़ने की आदत है, डेली पूजा पाठ करते हैं हम सुबह शाम। और हम जब हनुमान जी का रोल कर रहे हैं तो 2003 से लेकर अब तक जैसे ही हमारे यहाँ जन्माष्टमी आती है उस दिन से लेके और दिवाली तक, जो मैं अपना बता रहा हूँ, बाकी ये मेरे साथ रहता है लक्ष्मण। ये आज इतना बड़ा हो गया, ये आज भी मेरे साथ ही सोता है, अपनी मम्मी के साथ या भाई के साथ नहीं सोता। और हम दोनों नित नीचे ज़मीन पर ही सोते हैं, मतलब पूर्ण रूप से नीचे ज़मीन पर सोते हैं। और जैसे ही हमारे को धागा बंधन हो जाता है तो लहसुन प्याज इस चीज़ का बिल्कुल सेवन ख़त्म कर देते हैं। कैसा लगता है कि एक तरफ जो है आज का यूथ मोबाइल में गेम्स में या गलत चीज़ों में पड़ रहा है और आपके दोनों बच्चे आपका साथ दे रहे हैं? मैडम देखिए कि ऐसा है कि ना, बच्चों को संभालना और बिगाड़ना अपने पेरेंट्स के हाथ के अंदर होता है। और वैसे हमारा इतना बड़ा परिवार है जी। यहाँ मेरे ख्याल से 365 दिन के अंदर जी। कोई दिन ऐसा होता होगा जो यहाँ राम की कथा ना होती हो। इस जमीन से लेकर वहां तक इस कण कण के अंदर राम बसे हुए हैं, राम जी। और हम रामलीला ही नहीं करते, हमारा अन्नकूट का भी प्रोग्राम आता है, फिर हम ठाकुर जी का प्रोग्राम करते हैं, शिव जागरण करते हैं, इस तरह से हम पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है एक मिनट, और ये प्रोग्राम चलते रहते हैं। और इसमें हमारे बच्चे तो साथ साथ देते ही देते हैं, हमारे बुजुर्ग भी हमारा आशीर्वाद हमारे साथ देते हैं। बनवारी लाल जी के साथ मेरे को रोल करते हुए काफी टाइम हो गया, अब कोई मेरे सामने नया रावण आगे खड़ा हो जाता तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। उनके साथ मैंने 17 साल रोल किया इकट्ठे। तो अंतिम प्रश्न जो है मैं श्री राम जी से पूछना चाहूंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में था स्किप हो गया, जब कोई आपके पांव छूता है आपको एक भगवान की मूर्त समझकर, तो क्या लगता है, क्या फीलिंग आती है? फीलिंग मुझे यही आती है कि हाँ भाई, मतलब एक भक्त अपने राम जी से मिलने आया है और उनसे अपना आशीर्वाद मांग रहा है, बस यही होता है। तो आइए बात करते हैं जिनकी जो है प्रशंसा हम सबके मुख से सुन रहे हैं कि बनवारी लाल जी, बनवारी लाल सैनी जी जो है, जो इनके चेयरमैन है श्री दुर्गा रामलीला कमेटी ट्रस्ट के, और लगातार जो है 40 वर्षों से रावण का किरदार निभा रहे हैं और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी दर्ज है, बहुत बड़ी बात है। और लोगों को भी और अपने बच्चों को भी उसी तरीके से तैयार करना बहुत बड़ी बात है। आइए बात करते हैं सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है वायरल सच के इस कैमरे पर आपका। सर क्या कहेंगे, 40 साल कम नहीं होते रावण का रोल आपने लगातार निभाया।
23 साल की उम्र में मैंने रावण का रोल किया था जी जी 1980 में जी, और शायद 19 में मैंने छोड़ा जी। 77 में मैंने मेघनाथ का रोल किया, 77, 78, 79 जी, 3 साल मेघनाथ का रोल किया, 80 में मैंने फिर रावण का रोल किया, 80 से और 19 तक जी। अब 3 पीढ़ी रोल कर रही है यहाँ रामलीला में जी, मैं भी कर रहा हूँ, लड़का भी कर रहा है, पोता भी कर रहा है जी जी, पोता मेघनाथ का रोल कर रहा है जी। हमारी बचपन से छोटा सा था मैं जी, तब से ही रामलीला से लगाव है। जब 66 में रामलीला शुरू हुई जी, बड़े भाई साहब के कई का रोल करते थे जी, वहीं से शौक लगा। जैसे आज ये बच्चे देखे ना आपने जी, जी, जी। मैं भी ऐसे वानर सेना का रोल करने आया जी, तो डायरेक्टर ने मुझे भगा दिया, जैसे हम भी भगा रहे थे जी। यार ये तो ठीक नहीं है, बड़ा रोल करेंगे जी। उसी दिन से बस दिमाग में आ गया बड़ा रोल करेंगे, मैं उसके बाद सेना बना भी नहीं जी जी, और बस फिर ऐसी लगन लग गई बड़ा रोल करेंगे, सीधा मेघनाथ का रोल किया मैंने जी। मेघनाथ का रोल 3 साल मेघनाथ का रोल करने के बाद फिर सीधा रावण के रोल में चढ़ा और 40 साल रावण का रोल किया, जम के किया जी। अब भी जो भी रावण का रोल देखते हो आप जी जी जी, तो वो उनको भी आप लगातार जो है गाइडेंस देते रहते हैं, और वो उम्मीद भी करते हैं कि शायद कभी आपके पचिनों पर चलकर वो भूमिका जो है अच्छे से निभा पाए। मेरी तो कोशिश है जी जी, मेरी तो एक कोशिश है कि वो अभी बच्चे हैं वहाँ पहुँचे नहीं हैं जी जी, लेकिन मेरी कोशिश है कि वो वहाँ आए, जो एक्शन जो होने चाहिए ना जी जी वो ले। मैं सब बच्चों को बताता हूँ, सब बच्चों को बताता हूँ, चाहे राम है, चाहे सीता है, चाहे लक्ष्मण है, चाहे हनुमान है, मैं सबको बताता हूँ कि रोल में घुसोगे नहीं ना जब तक जी जी जी, जब तक रोल नहीं, रोल में घुस जाओ जी। एक एक शब्द बताता है जी कि हमें करना क्या जी। उतरू न आवत प्रेम बस गयउ चरण अकुलाए जी। अब देखो चौपाई बताती है डायरेक्शन, उतरू न आवत प्रेम बस गयउ चरण अकुलाए, तुम स्वामी में दास प्रभु तजउ तो कहा बसाए। लक्ष्मण जी की चौपाई है कि मुंह से उत्तर नहीं निकल रहा, चरणों में पड़ गया वो कि तुम मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ, तुम मुझे तजबी दोगे तो मेरी क्या पार बसा दो। तो शब्दों पे कलाकार को जोर देना चाहिए, शब्दों पे ध्यान देना चाहिए, तभी कलाकारी में घुस सकते हो। और जब ये बच्चे आपसे सीखते हैं, और आज की डेट के अगर बच्चों को देखे तो अलग ही दिशा में चल रहे हैं, हर एक तरफ ये जो आपने परिवार संजोया हुआ है और वो जो है राम जी के चरित्र के ऊपर चल रहा है, या हम कहें धार्मिक स्थिति के ऊपर चल रहा है, तो क्या कहेंगे, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आज के यूथ को जो पूरी तरीके से जो है अलग ही दिशा में है? मैं ना, हमारे पेरेंट्स का भी कसूर है जी, कि उन्हीं को नहीं पता रामलीला क्या है जी, वो अपने हम तो कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे हो हम तो यहाँ से कोशिश करते हैं रोजाना, बच्चों को कोई क्वेश्चन भी देते हैं, भाई रामलीला में से ये बताओ ये बताओ ये बताओ ये बताओ जी, जी, जी। तो हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन पेरेंट्स भी कोशिश करें ना जी, कि भाई ये बच्चे इस पद चिन्हों पे चलें, हमारी सनातन जो परंपरा है तो उसको ये ध्यान में रखें। अब सनातन परंपरा है क्या, उसको भूल तो गए जी जी, क्या है कुछ नहीं पता। और आज एक कलाकार ने एक शब्द कहा है, वो मैंने नोट कर लिया, मैं एक शब्द पे ध्यान देता हूँ क्या कह रहे हैं जी जी। वो कुंभकर्ण के रोल में एक कलाकार ने कहा सनातन को मिटाना है जी, जबकि रावण सनातनी था जी, वो तो 4 वेद 6 शास्त्र ज्ञाता था, भगवान शंकर को मानता था, देवी को मानता जी, था जी, वो तो सनातन को मानता था जी, उसने किसी ने गलत लिखवा दिया उसको, उसने बोल दिया, मैंने नीचे आकर उसे डांटा है जी, कि बेटा सनातन के लिए तो हम मर रहे हैं जी, और तुम कह रहे हो सनातन को मिटाना, ये कहाँ से जी, जी, गलत है। सही है, हमारी कोशिश है जी। मैंने तो आज भी कहा है कि अगर हमारे जैसे लोग जी,
और सरकार हमारा साथ नहीं देगी कब तक लड़ेंगे जी? देखो ना, ग्राउंड है, ग्राउंड नहीं रहे हमारे पास जी। आए दिन ऐसा मैं देख रहा हूँ, कोई कहता है मेरा ग्राउंड है, कोई कहता है मेरा ग्राउंड है, मुकदमे चल रहे हैं, रामलीलाओं में दिक्कत आ रही है जी। हमारा दशहरा ग्राउंड था जी। 1,00,000 पब्लिक मौके पे देखती थी जी। और वो ग्राउंड सारा खत्म हो गया, कोई यूटर्न बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, अब कहाँ जाए, वो हो ही नहीं रहा। ये समस्याएं आप लोगों के माध्यम से सरकार तक ये बातें पहुँचनी चाहिए, हर शहर में जी जी ग्राउंड हो, जिसमें जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसके बारे में वहाँ उच्चारण हो, वहाँ बताया जाए, रामलीलाएं हो, होली के जो पर्व हैं वो मने, जो हरियाणा में तीज त्योहार हैं जी जी वो मने, ताकि जीवित तो हो। अब है क्या, कुछ भी नहीं है, ये चक्कर। बहुत बहुत धन्यवाद बनवारी लाल जी हमारे साथ बात करने के लिए। अब देखो जी, अब ये गुड़गांव है जी, हरियाणा का पार्ट है ना। अब यहाँ पूछ लो किसी से, अगर हरियाणा का कुछ यहाँ जब बड़ी मुश्किल से मेरे जैसे 5-7% लोग होंगे, नहीं तो हरियाणा की बात भूल गए लोग, कहाँ है जी। अब बताता कौन है उनको, बताता भी नहीं कोई। मैं छोटा सा था, हरियाणवी गाने लगा था, एक प्रोग्राम दे रहा था, तो उसमें क्या था कि तेज हवा में ध्यान रहा ना, पल्ला उड़ गया गाती का जी। पंडित लक्ष्मी जी ने गाई है, पल्ला उड़ गया गाती का, हाथ बढ़ाकर टाकन लागी, गया पेच निकल पाती का, कोडी हो गया गालन लागी, हार झुकया छाती का। अब ना नेवरी रही, ना पाती रही, ना गाती रही, तो संस्कृति कहाँ बची जी जी। एक एक महीने झूल गलती थी, ना पेड़ रहे, ना डाले रहे। अब वो संस्कृति बचानी है और वो बचनी चाहिए, और जब तक गवर्नमेंट इसमें सहयोग नहीं करेगी तब तक बचेगी नहीं। अब कर रही है गवर्नमेंट कुछ, मैं देखता हूँ कई दफा जी जी, वो मॉडर्न तरीके से कर रही है जी। वो जो पुराना तरीका है उस तरीके से सहयोग करना चाहिए जी। अब जिनको पता ही नहीं संस्कृति हरियाणा क्या है, उनको कह देंगे तुम तीज मनाओ, उनको बेचारों को पता ही नहीं चीज है क्या, ये दिक्कत है। तो यहाँ पर जो है आपने बनवारी लाल सैनी जी से कम शब्दों में अगर हम बात करें, बहुत अच्छी बात की, आज जो है हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है। आज की पीढ़ी की बात करें, ना उनको त्योहारों का पता है, ना उनको हमारे धार्मिक स्थलों का पता है, ना आए दिन जो आयोजन होते थे या हम कहें कि कथा कीर्तन होते थे, ऐसा कुछ भी होता भी प्रतीत नहीं होता। सरकार से जिस तरीके से बनवारी लाल जी ने एक गुहार लगाई है, वायरल सच भी गुहार लगाता है कि हमारी संस्कृति को बचाने के लिए जो है सरकार को कहीं ना कहीं कदम आगे बढ़ाने चाहिए, जो ग्राउंड्स वगैरह है वो प्रोवाइड करनी चाहिए, क्योंकि दशहरा, दिवाली, बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं कि जो लोग पहले मिलकर मनाते थे, और आज की डेट में है कि घरों पर ही सारे त्यौहार है बंद कर सीमित होकर रह गए हैं। और ये आज की जो कवरेज थी ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं धार्मिक लोगों को जानने में। तो एक जो प्रयास श्री दुर्गा रामलीला ट्रस्ट द्वारा चलाया जा रहा है, उनके द्वारा किया जा रहा है कि लोगों को जागरूकता हो कि रामलीला थी क्या और किस तरीके से रामायण में उसका पूरा जो है बखान किया गया है, तो ये एक प्रयास था। उम्मीद है आपको आज का ये आपको शो अच्छा लगा होगा, और आपसे रिक्वेस्ट भी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, कॉमेंट भी करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं हम अपने बच्चों को अगर नहीं सिखा पाए तो आने वाला जो समय है कहीं ना कहीं वो हम सब पर बहुत भारी होगा।